आप सभी का स्वागत है मेरी कुकिंग क्लास में। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के परौठे, तो खाने में बड़े टेस्टिंग लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो यहाँ पर मैंने मेथी ले ली है, तो मैं इस मेथी के अंदर पानी डाल दूँगी। तो मैंने गैस ऑन कर दिया, तो मैं मेथी को अच्छी तरह से उबाल लूँगी। हमें इतना ही पानी चाहिए जब हमारी मेथी उबल जाए अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, मेथी जल्दी जल्दी से हो जाए। तो हमें इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से उबाल लेंगे, जब तक इसमें उबाली नहीं आती। तो आपको दिखाऊंगी मेथी कैसे उबालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेथी उबाल ली है, तो हम ढक्कन हटा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मेथी उबल चुकी है। तो मैं इसे इसी बॉल में निकाल दूंगी छलनी की मदद से। देख सकते हो मेथी मैंने निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे बॉल में निकाल दूंगी। इसी तरह से मैं सारी मेथी को अच्छी तरह से निकाल लूंगी। तो बहुत ही आसानी से हमने मेथी को निकाल लिया। अब हम इस मेथी को ठंडा कर लेंगे। जब तक ठंडा होता है तो मैं आटा गूंथ के दिखाऊंगी इसका। तो मैं इसको ढक्कन लगा के ढक दूंगी मेथी को। अच्छी तरह से उबाल लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटा ले लिया। आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया, तो मैं इसमें नमक मिला दूंगी, जितना आपने टेस्ट नमक का चाहिए तो उतना ही आप नमक डालना। तो मैं थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दूंगी, गरम मसाला, थोड़ी मैं पिसी हुई मिर्ची डाल दूंगी आधा चम्मच करीब। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जो हमारे पास मेथी थी, तो मेथी को भी डाल देंगे। तो इसे अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स कर देंगे। इसी तरह से मैं आटा को अच्छी तरह से गूंथ देंगे। जो मैं पानी की जरूरत पड़ेगी पानी भी इसमें मिक्स कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेथी के परौंठे बन रहे हैं, आप देख सकते हो। तो मैं अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो इसे उतार लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा पराठा भी इस पर डाल देंगे। तो भी अच्छी तरह से हमें सेकना है। तो अच्छी से कर देंगे। इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी, रिफाइंड ऑयल सब कुछ के साथ। हम इसके दूसरी साइड में भी रिफाइंड ऑयल लगा देंगे। तो ये रेडी है हमारी मेथी के परौंठे। तो खाने बड़े टेस्टी लगते हैं नाश्ते में चाय के साथ। तो इसे उतार दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेथी के परौंठे आप देख सकते हैं, मैंने अचार के साथ चाय के साथ किए हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच मलाई का भी रखूँगी इसके ऊपर। तो खाने में बड़े टेस्टिंग लगते हैं ये मेथी के परौंठे, आप भी घर पर जरूर बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है मेथी के परौंठे की, तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।